पुलिस प्रशासन के द्वारा वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और उसके बाद अब तमाम लोगों को पुलिस के द्वारा अब यहां से खदेड़ा जा रहा है। देखिए तमाम कार्यकर्ता जो यहां मौजूद है किस तरीके से यहां पर जो कार्यकर्ता है ये लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया और उसके बाद तमाम कार्यकर्ता यहाँ से अब लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा अब लाठीचार्ज की गई और उसके बाद देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर जो है युवाओं की मांग है मीडिया को मारा जा रहा है। जिस तरह से भ्रष्टाचार माफिया राज और अपराध बेरोजगारी विशेष राज के दर्जन सभी को लेकर महामहिम से गुहार लगाने हम लोग ये जो जन सैलाब देख रहे हैं ये करीब 20,000-25,000 उससे भी क्रॉस कर चुका है ये संख्या। अभी तो पूरा पटना बाकी है। हम लोग महामहिम राज्यपाल के यहाँ गुहार लगाने जा रहे हैं कि अब बिहार को आप ही बचा सकते हैं, बिहार को कोई दूसरा नहीं बचा सकता है, बिहार को आप ही बचा सकते हैं। और स्पष्ट वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के युवा परिषद के साथी हैं, छात्र हैं और पार्टी के जो साथी हैं, सब पप्पू यादव है और पप्पू यादव डरने में से नहीं है। पप्पू यादव बिहार के लिए इकलौता नेता जो रोड पर संघर्ष करने वाला नेता है और हम लोग सारे लोग पप्पूवादी है, हिलेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ हम लोग जाकर ज्ञापन सौंप के रहेंगे, इसके लिए चाहे गोली खाना पड़े, लाठी खाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, डरने वालों में से नहीं है। नरेंद्र मोदी से मांग है स्पष्ट है कि ये बिहार की जनता की लड़ाई है, ये उन दबंगों की लड़ाई है, उन बालू माफियाओं की लड़ाई है, उन दबंगों की लड़ाई है जो पदाधिकारी के मिली भगत से जिंदा जला देते हैं। दरभंगा में जो बच्ची एक ही परिवार का चार लोगों को जिंदा जलाएगा आखिर क्या दर्शाता है। गया में प्रशासन के सामने माँ बहनों को बांध कर और जिस तरह से लोगों उसको सुरक्षा किया जाता है आखिर बालू माफिया क्या दर्शाता है। सभी का कहीं ना कहीं बिहार सरकार के उन मंत्रियों नेताओं से कनेक्शन है और सभी मिलकर अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। और ये अपराध हमारे नेता ने स्पष्ट कर दिया है, उन बिहार के लफंगों को, उन बिहार के अपराधियों को, उन बिहार के माफियाओं को कि या तो तुम रहोगे या मैं रहूंगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़े हम करके रहेंगे। हमारे नेता संघर्षशील हैं और उनके नेतृत्व में ये प्रदेश भर से आए हुए युवा परिषद के साथी और हमारे पार्टी के जितने साथी हैं ये बता रहे हैं कि आज हुजूम रुकने वाला नहीं है, ये हुजूम रुकने वाला नहीं है, एकदम स्पष्ट है। चलिए राजू दानवीर जो जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो किस तरीके से जिस तरह से बिहार सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष राज के दर्जे को एक चुनावी हथकंडा अपनाया, चुनाव के समय में अपने स्वार्थ के हिसाब से इस मुद्दे को लाए और ले गए, आज ये मुद्दा कहाँ है। बिहार मांगे रोजगार, युवा मांगे रोजगार और बिहार मांगे विशेष राज का दर्जा। आज कहाँ गया विशेष राज का दर्जा? विशेष राज का दर्जा हर बिहारी का अधिकार है, हक है, ये लेके रहेंगे। ये डबल इंजन का जो सरकार है अपने को दर्शाते हैं कि हम डबल इंजन है। आखिर डबल इंजन कहाँ गया? आप जब बीजेपी के साथ नहीं थे, अलायंस में नहीं थे तो राग अपनाते थे, अब आपका राग कहाँ चला गया और डबल इंजन साफ ही चुप हो गई।